ये जो आप देख रहे हैं ये कोई आम रोबोट नहीं बल्कि एक नासा का स्नेक रोबोट है। इसका काम नॉर्मल सांप की तरह अर्थ पर घूमना नहीं बल्कि स्पेस में जाकर प्लैनेट्स पर रिसर्च करना है। लेकिन स्पेस में तो और भी तरह के रोबोट्स भेजे जाते हैं। फिर इस स्नेक रोबोट को ही क्यों बनाया गया, चलिए बताते हैं आपको। इससे पहले हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोस्टली स्पेस में जाने वाले सभी रोबोट्स और रोवर सिर्फ प्लेन सर्फेस पर ही चल सकते हैं, लेकिन नासा का ये स्नेक रोबोट जिसका नाम ईल्स है ये लगभग सभी तरह की जमीन, बर्फ और उबड़ खाबड़ रास्तों पर आसानी से चल सकता है। नासा का रोबोट 100 किलो का है और इसकी हाइट 13 फीट लंबी है। स्पेस में अर्थ के जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जहाँ की जमीन और मौसम काफी अलग है। कहीं पहाड़ और बर्फ है तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी। ये रोबोट अपनी इस शेप की वजह से कहीं भी चल सकता है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात ये है कि इस रोबोट की टेस्टिंग नासा में एक इंडियन साइंटिस्ट कर रहे हैं। ऐसे आपको ये रोबोट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता।